अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और आज मैं आप लोगों को वो मैच जो अभी हम कुछ अर्से पहले जीते हैं उसके बारे में कुछ ऐसी तल हकाइक बताने वाला हूँ कि जिसके बाद शायद मेरा पाकिस्तान वापस आना ही मुश्किल हो जाए, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम झूठी खुशियां मनाएं या धोखे में रहें। और वैसे भी अगर मैं ना भी बताऊं तो अभी कुछ दिन बाद जो इंडिया के न्यूज चैनल ये खबर ऑन एयर करेंगे तो हमें और ज्यादा दुख होगा, तो इससे बेहतर मैं खुद ही बता दूं। देखिये, मैं कभी सबूत के बगैर बात नहीं करता। ये पूरा टूर्नामेंट आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट था ये पूरा फिक्स था सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए ताकि पाकिस्तानी आवाम जीत की खुशी में लग जाएं और उस आदमी के ऊपर सबकी नजरें हट जाएं। आपको याद होगा भी कुछ अर्से पहले आमिर सुहेल चीख चीख के कह रहा था कि भाई ये लोग जीत नहीं रहे, इनको जिताया जा रहा है, इनको जिताया जा रहा है, इनको एक एजेंडे के तहत लाया गया है। लेकिन फिर आमिर सुहेल को भी चुप करवा दिया गया, उन्होंने भी अपना बयान बदल लिया क्योंकि जिस शख्स ने ये गेम प्लान किया है वो और उसका खानदान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यार आप लोग खुद सोचे ना जरा, किस तरह वो श्रीलंका वालों ने दो इतने हलवा कैच आसानी से छोड़ दिए, किस तरह इंग्लैंड की टीम पूरी मैदान छोड़ के चली गई, किस तरह कोहली ने दो वही शॉट बार बार खेले, वो बॉलिंग बॉल किस तरह बना बना के दे रहे थे। आपको लग रहा है कि ये वाकई में असल गेम हुआ है। और आखिरकार पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है और मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी जश्न मनाने में लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनका मकसद क्या था और उस शख्स की आजादी की राहें और ज्यादा हमवार हो जाती हैं। खैर, अगर आप लोगों का इतना सा भी ईमान जिंदा है ना तो ये जो फुटेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसको देखने के बाद ये हमारा कप्तान सरफराज धोखा नहीं देगा, पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद, फला डिमका, ये सारी बातें आप बंद कर देंगे और अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे। और अगर वही झूठ के साए में रहना है, धोखे में रहना है तो लगे रहे वही सरफराज हमारा कप्तान फला डिमका या मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई देखें, रमजान है, मैं झूठ नहीं बोल सकता और हाँ मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ भाई, मैं सच बोलता हूँ चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मैं खुल के बोलूंगा पाकिस्तानी टीम को जितवाने बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में जितवाने में और इस फिक्स करने में टूर्नामेंट को जिस आदमी का हाथ है उसका नाम है हाँ भाई कैसे दिया नहीं दिया अच्छा है। देखें आप लोगों का तो वक्त बर्बाद हो गया जो कि वापस नहीं आ सकता। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में अपने दोस्तों को टैग करें और शेयर करें इस कैप्शन के साथ के भाई यार सरफराज ने धोखा दे दिया यार, पहले से पता था गेम फिक्स है, ताकि और लोगों का भी वक्त बर्बाद हो और जिस जिसकी हट रही है उन सब के लिए Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.